गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सोनालीज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरी वन इज़ फाइन। तो आज है शादी का डे 2 एंड आज होने वाला है हल्दी फंक्शन और तेल वाली रस्म जो होती है वो होने वाली है। तो और आज ही शादी भी होती है, तो वो शाम को होगी, मतलब बारात भी आज ही आएगी तो वो होगी शाम को, रात को होती है, तो उसके लिए भी हम बाद में जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है हल्दी और तेल की रस्म है तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। सो मेकअप वगैरह मैंने कर लिया है, तो अभी बस मुझे ड्रेस पहनना है। बट मैं अभी देख रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम हो जाता है, मतलब देखते हैं कब तक वहाँ जाना है, तो उसी हिसाब से मैं रेडी होंगी, मतलब ड्रेस पहनूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है और फिर ना गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता ज़्यादा। तो बस आप लोग भी मेरा अभी ये मेरा बिफोर लुक है, मतलब मेकअप तो मैंने कर ही लिया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो मैंने कुछ किया नहीं है, आईलाइनर वगैरह लगाया है बस। तो अभी फंक्शन में जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में कैसे करते हैं हल्दी फंक्शन। तो मिलती हूँ मैं आपसे अभी थोड़ी देर में। तो गाइज़, मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड ये रहा मेरा फाइनल लुक। सो बाल खुले रख रही हूँ, बाल खुले रखे हैं मैंने और मुझे ही पता है कि कितनी गर्मी लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो मैं चलती हूँ, अभी मैं आउटफिट दिखा देती हूँ अपना पूरा और चलती हूँ बिकॉज लेट हो गए हैं। सो दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। हल्दी आज। सो आपको ये कैमरा में शायद से येलो लग रहा होगा, बट ये येलो नहीं है, इट्स अ लाइम ग्रीन कलर है, बट एप्रोप्रिएट है हल्दी लुक के लिए। एंड इसी के बाद फिर जब बारात जाएगी तो फिर चेंज करेंगे हम फटाफट से आके, मतलब बारात जाएगी नहीं, सॉरी, बारात आएगी जब, तो हम लोगों ने जब जाना है, हॉल किया है यहाँ पे बुक, तो वहाँ पर जाएंगे हम। तो मैं वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो अभी के लिए मेरा आउटफिट ये है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल है एकदम। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाइज, कमेंट कर दिया करो, कुछ नहीं जाता है कमेंट से, एंड प्लीज़ कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बस अभी चलते हैं फंक्शन में। ये रहे मम्मी और ये रहे आंटी। तो आज का तो मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है बिकॉज़ बारिश हुई है सुबह सुबह। बाद में तो जैसे ही मैं फंक्शन में पहुंची थी तो वहां पर चल रही थी चरखा कतने की रस्म, जो भी आप ये सब देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉटन होती है उसकी, मतलब कुछ बनाई जाती है डोरिया टाइप की, तो वो पूजा में यूज होती हैं। तो यहाँ पर वही वाली रस्म चल रही है। एंड यहाँ पर मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी आप सबको बिकॉज शादी के बाद मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी एंड उसकी वजह से ना मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है। और मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोगों को व्लॉग्स मिल पाएँ, क्योंकि क्या है कि काफ़ी लेट, मैं नहीं चाहती हूँ कि लेट पहुँचें ये। तो मैं बीमार हूँ फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप तक व्लॉग्स जल्दी पहुँचें। और अभी होने वाली है हल्दी की रस्म, तो दीदी यहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हल्दी जो होती है, सामने रखे होते हैं गणेश जी और कुलदेवी रखी होती है हमारी, उनको लगाई जाती है। फिर सबसे पहले जो है एक छोटी लड़की लगाती है हल्दी, और ये जो हल्दी होती है लड़के वाले साइड से आ रखी होती है सुबह सुबह ही, मतलब जैसे मुहूर्त होता है उस तरीके से ये लोग भेजते हैं एंड फिर ब्राइड को वही लगाई जाती है। तो ये है ताया ताई जी, तो इनकी बेटी की शादी है, मतलब ये दीदी जो है इनके मम्मी पापा थे वो। और इसके बाद जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर जैसे गांव के रिलेटिव्स वगैरह, वो सब यहाँ पर आके हल्दी लगाते हैं। और यहाँ पे ना बैकग्राउंड में थोड़े थोड़े जो म्यूजिक वगैरह भी आपको, म्यूजिक नहीं मतलब सॉन्ग सुनाई दे रहे होंगे ना, जो लेडीज गा रही हैं वो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है उनको गाया जाता है और मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं जो भी हल्दी लगा रहा था उनको, तो काफ़ी फनी हो जाता है ये सब, आप लोग वो सब सुनना। Yes. फिर हल्दी वगैरह लग जाती है, उसके बाद नहाया जाता है, दुल्हन को नहलाया जाता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, अभी तेल की रस्म होती है जिसको बोलते हैं सांद हमारे यहाँ पर। तो उससे पहले जो होता है हवन किया जाता है, अभी वही सब चल रहा है अंदर। और मैं अंदर नहीं बैठी थी बिकॉज उसमें जो धुआं होता है ना वो इतना ज़्यादा होता है कि अंदर बैठना बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। तो ये देखिए आंटी जो है, मतलब इनकी दीदी की मम्मी है ये, तो ये यहाँ पर सबसे पहले तेल की रस्म यही कर रहे हैं। उसके बाद ये हवन जो देख रहे हैं आप, ये सब होता है। इससे बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाता है और बहुत गर्मी हो जाती है अंदर। तो यहाँ पर अभी सभी मिलकर यहाँ पर हवन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये जो लड़के बैठे हुए हैं, इनका क्या होना है कि कान छेद होना है। तो इनके क्या थे, पहले कान छेद नहीं करवाए थे, जो कि आपने देखा होगा मेरे दूसरे फंक्शंस में मैंने जो पहले व्लॉग्स बनाए थे उसमें कान छेद किए थे लड़कों के, तो इनके नहीं हुए थे। तो यहाँ पर क्या होता है, शादी जिसकी होती है ना, लड़की की शादी होती है तो उसके पीछे बिठा कर इनके कान छेद किए जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ चल रही है, जो तीन थे ये, तो इन तीनों के कान छेद हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो ये अभी आप देख रहे हैं ये होती है तेल की रस्म। तो ये यहाँ पर वही चल रहे हैं, सभी वहाँ पर खड़े हुए हैं लाइन लगा कर कि हमारा टर्न आए। और मेरे टाइम पे तो चलो खैर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था बिकॉज कोई था ही नहीं वहाँ पे, मैं किसको ही बोलती कि मुझे रिकॉर्ड करके दे दे, तो और मैं ज़्यादा परेशान भी नहीं करती किसी को। सो यहाँ पर मैंने सबकी बना ली है। फिर मैंने तेल वगैरह लगाया, उसके बाद मैं लंच करने चली गई थी बिकॉज शाम के लिए भी रेडी होना था। हे गाइस, तो मैं अभी घर वापस आ गई हूँ। एंड जो फंक्शन वगैरह था, जो रस्में वगैरह थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगी ना वहाँ पर। एक तो क्या होता है कि जैसे हवन वगैरह होता है ना वहाँ पे, तो उसका धुआं इतना ज़्यादा होता है और उसकी वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई। मैंने लंच वगैरह किया और मैं जल्दी आ गई घर, क्योंकि थोड़ा सा मैं अभी रेस्ट कर लूँगी। मतलब रेस्ट तो क्या ही है, थोड़ी देर में तो मतलब निकलना ही है। थोड़ी देर में क्या मतलब 5 बजे तक तो निकलना ही है वेन्यू के लिए। तो बस थोड़ा सा मैंने सोचा कि आ जाती हूँ घर जल्दी, थोड़ा सा ऐसे रेस्ट कर लूँगी थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद रेडी होना स्टार्ट करूँगी। तो उसका व्लॉग जो है वो मैं अब नेक्स्ट बनाऊँगी, तो वो मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी, उसमें नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी उसका। तो आप लोगों को कैसी लग रही है हमारी यहाँ पे हिमाचल की जो ट्रेडिशनल जो रस्में होती हैं, कांगड़ा साइड की रस्में होती हैं, ये सब तो आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी, और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे भी बता देना। मैंने तो जूड़ा बना लिया है घर, क्योंकि वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना, तो खुले वाला में तो और गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने जूड़ा बना लिया। तो ये वाला व्लॉग मैं अभी यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।